आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, प्रश्न हमारे पास यहाँ पर सरल रेखाओं x माइनस तीन बटा एक बराबर y माइनस पांच बटा माइनस दो बराबर z माइनस सात बटा एक और x प्लस एक बटा सात बराबर y प्लस एक बटा माइनस छह बराबर z प्लस एक बटा एक के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर दो सरल रेखाएं दी है तथा हमें इन दोनों सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर जो सरल रेखा है वो हम लिख लेते हैं, वो हमें दी हुई है यहाँ पर x माइनस तीन बटा एक बराबर y माइनस पांच बटा माइनस दो बराबर z माइनस सात बटा एक, और दूसरी सरल रेखा है हमारे पास x प्लस एक बटा सात बराबर y प्लस एक बटा माइनस छ बराबर यहाँ पर z प्लस एक बटा एक। ये हमारे पास दो सरल रेखाओं के समीकरण। अगर हम यहाँ पर जो हमारी सरल रेखाओं के सामान्य समीकरण होते हैं, स्टैंडर्ड समीकरण, अगर उनको देखें तो वो इस प्रकार से होते हैं, x माइनस एक्स वन बटा ए वन बराबर y माइनस वाई वन बटा बी वन बराबर z माइनस जेड वन बटा सी वन, और दूसरा समीकरण होता है यहाँ पर रेखाओं का, देखो x माइनस एक्स टू बटा ए टू बराबर y माइनस वाई टू बटा बी टू बराबर जेड माइनस जेड टू बटा सी टू। ठीक है, ये हमारे पास दो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेखाओं के समीकरण है, और ये जो हमें प्रश्न में समीकरण दी हुई है ये यहाँ पर इसी रूप में है। तो देखो यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा बराबर मोड में, यहाँ पर मोड में ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। ठीक है, और बटा में होगा यहाँ पर क्या होगा, देखो बटा में ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर इसकी घात एक बटा दो, और गुणा में यहाँ पर ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर इसकी भी घात एक बटा दो। ठीक है, और यहाँ पर मोड तो है इसी साथ में। अब देखो यहाँ पर ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इन सभी का हम यहाँ पर मान रख देंगे तो हमें यहाँ पर इनके बीच का कोण मिल जाएगा। यहाँ पर देखो दोनों रेखाओं के समीकरण से ए वन बराबर क्या है हमारे पास a, और बी वन बराबर माइनस का दो, सी वन बराबर एक। इसी प्रकार से यहाँ पर ए टू बराबर है सात, बी टू बराबर माइनस छ और सी टू बराबर एक। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर एक दे देते हैं। अब यहाँ पर हम समीकरण नंबर एक में मान रख देंगे, तो देखो कोस थीटा बराबर मोड यहाँ पर और ए वन ए टू, ए वन कितना एक, ए टू कितना सात, तो एक गुणा सात प्लस बी वन बी टू, बी वन माइनस टू और बी टू माइनस छः, तो ये हो जाएगा माइनस दो गुणा माइनस छः मतलब प्लस का बारह, तो प्लस यहाँ पर है पहले से तो प्लस बारह। इसी प्रकार से सी वन सी टू हो जाएगा एक गुणा एक। ठीक है, और बटा में यहाँ पर देखो बटा में जो है पूरा वो आएगा यहाँ पर, बटा में क्या है हमारे पास यहाँ पर ए वन का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, तो एक प्लस माइनस दो का स्क्वायर चार प्लस सी वन का स्क्वायर एक इसकी घात एक बटा दो, और यहाँ पर ए टू का स्क्वायर यानी कि उनपचास प्लस बी टू का स्क्वायर छत्तीस प्लस यहाँ पर आएगा सी टू का स्क्वायर यानी कि एक इसकी घात एक बटा दो, और ये यहाँ पर मो। अब देखो इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ से कोस थीटा बराबर ऊपर तो हो जाएगा सात प्लस बारह उन्नीस और एक बीस, और यहाँ पर बटा में क्या होगा, बटा में देखो बटा में है हमारे पास यहाँ पर एक, तो एक प्लस चार प्लस एक अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का छ और प्लस यहाँ पर उनपचास प्लस छत्तीस प्लस एक, ये हो जाएगा छियासी। ठीक है, बराबर बीस बटा, अब देखो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं छ गुणा छियासी की घात एक बटा दो, और ये यहाँ पर मोल। ठीक है, तो बीस बटा छ गुणा छियासी
की घात यहाँ पर 1/2, तो कॉस थीटा का मान मिल चुका है यहाँ पर, कॉस थीटा बराबर 20/6 × 86 की घात 1/2, 516 की घात 1/2। अब देखो यहाँ पर अगर हम 516 का वर्गमूल लेंगे, 516 का वर्गमूल लेंगे तो ये लगभग हमें मिलेगा 22.72, ठीक है, यहाँ पे मान रख देंगे। तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स और 20/ यहाँ पर 22.72, तो ये हमें यहाँ पर थीटा मिल चुका है। और यही क्या होगा, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा थीटा बराबर कोस इनवर्स 20/22.72, यही यहाँ पर इसका उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।